हेलो फ्रेंड्स, शुभ वैष्णवी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे मैंने सेवई से पराठा बनाया है जो बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से ये बनके तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट और कितना ही डिलीशियस बना है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना ढेर सारा सपोर्ट देते हैं। और अगर आप ये पराठा एक बार बना लेंगे ना, तो ये इतना टेस्टी और इतने इजी तरीके से बन रहा है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक छोटा कटोरी जो है सूजी ली है। अब इसमें दही डाल के और इसे मिक्स करके 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे, जिससे कि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को लिया है। अब यहाँ पे मैंने छोटा कटोरी से ही सेवई लिया है और इसे मैंने 10 मिनट पहले ना पानी डाल के फूलने के लिए रख दिया था। तो जितना भी सेवई आप लें, उसके ऊपर तक हल्का पानी आ जाए उतना पानी डाल के इसे 10 मिनट के लिए रख देना है, तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए, ये सूजी भी हमारा जो है फूल गया है अच्छे से। अब जो सेवई मैंने फुलाई है, उसका पानी जो है हल्का सा निचोड़ के और इसमें डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल दूंगी और बारीक कटी हुई अदरक को भी डाल देंगे। तो अदरक का टेस्ट इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, ये अभी बहुत थिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और दही डालूंगी और दही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब तवे पे ऑयल लगाएंगे और इस पे इस बैटर को थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छे से फैला लेना है। तो ये बहुत इजी तरीके से बनेगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। और जब तक आप इसे फैलाएंगे ना, तब तक ये नीचे से सिक भी चुका रहेगा। तो शुरू में आंच को थोड़ा धीमा रखना है। अब इसमें चारों तरफ थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दे रही हूँ, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और जब ये हल्का हल्का एक साइड से सिक जाए, तो फिर आप आंच को तेज करके दोनों साइड से सेक सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने आंच को तेज कर लिया है और इसे अलट पलट के दोनों ओर से अच्छे से इसे सेक लेना है। तो इसमें कच्चा कुछ भी नहीं रहेगा, ये बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है। क्योंकि सूजी में ना थोड़ा सा भी भाप लगता है तो वो बहुत जल्दी से हो जाता है। और सेवई जो मैंने डाला था, वो भी बीच बीच में पराठे में हल्का सा क्रंची क्रंची सा, सॉफ्ट सा, बहुत ही डिलीशियस पराठा ये लग रहा था। तो ये देखिए, इसे मैंने सेक लिया है। तो फ्रेंड, इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बना है और सबको बहुत पसंद आएगा, और बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो ये देखिए, हमारा पराठा रेडी हो चुका है, इसी तरह सभी को बना लेंगे। तो फ्रेंड, मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट सभी पराठे को बना के रख ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही टेस्टी पराठा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।